तो संधि बनाते समय मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन संधि बना तो लेते हैं, लेकिन विसर्ग संधि बनाने में कुछ लोगों को परेशानी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद विसर्ग संधि से जितने रिलेटेड आपके डाउट्स हैं सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और विसर्ग संधि को भी आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। तो आइए जानते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में मुख्य रूप से अह की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये शब्द देख रहे हैं ना, नी लिखा है, तो इसमें अह की मात्रा आ जाएगी। अब यह हो गया नी, तो इस तरीके से अह के मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें कोई सा भी एक स्वर शब्द या व्यंजन शब्द को जोड़ दिया जाता है, लेकिन अह का मात्रा मुख्य रूप से प्रयोग में होता है। अब यदि इनका हम संधि करेंगे तो इनका संधि हो जाएगा हमारा निश्चल, निश्चल। तो इस तरीके से जहाँ पर भी जैसे इस तरीके से शब्द आ जाए तपह, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अह की मात्रा है। जहाँ पर भी यह मात्रा वाले शब्द आ जाए वहाँ पे विसर्ग संधि पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के प्रकार के बारे में। तो विसर्ग संधि चार प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के प्रकार के बारे में। विसर्ग के प्रकार के बारे में हम देखते हैं, पहला होता है हमारा सत्व संधि। सत्व संधि यह सत्व विसर्ग संधि कह सकते हैं, ये होता है पहला नंबर पे। दूसरा होता है हमारा उत्व विसर्ग संधि, यह कह सकते हैं उत्व संधि, यह होता है हमारा दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे होता है हमारा रुत्व संधि। रुत्व संधि जो है हमारा विसर्ग संधि का तीसरा प्रकार होता है। और चौथा प्रकार होता है हमारा विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि यह होता है हमारा चौथा प्रकार। तो विसर्ग संधि इस प्रकार से चार प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रकार के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे।